एक कॉइन का दो साइड होता है, हेड और टेल, और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस कॉइन को टॉस करेंगे और हमेशा वो हेड ही आएगा या फिर हमेशा वो टेल ही आएगा। कभी वो हेड आ सकता है, कभी वो टेल आ सकता है। और ठीक वैसे ही हमारा माइंड भी दो तरीके से सोचता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि पूरे दिन भर हम लोग पॉजिटिव ही सोचते गए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पूरे दिन भर हम लोग नेगेटिव ही सोचते गए। हमारा माइंड पॉजिटिव काम करेगा या नेगेटिव, ये कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस, या फिर हम खुद। एक पॉजिटिव माइंड आपको अपने लाइफ, आपके करियर, आपके रिलेशन को बेहतर बनाते हैं, जबकि एक नेगेटिव माइंड आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। आपको गलत डिसीजंस लेने सिखाता है, आपको जेलस फील कराता है, आपको फेलियर फील करवाता है। तो एक बेहतर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नेगेटिव माइंड को चेंज करें। और इस वीडियो में आपको ऐसे 5 आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो आपको पूरे तरीके से आपका नेगेटिव माइंड को चेंज कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे आइडियाज आपका नेगेटिव माइंड को पूरे तरीके से बदल सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइडिया नंबर 1, एक्सेप्ट द नेगेटिविटी। अगर आपको किसी चीज से डील करना है या फिर उस चीज को सुधार करना है, तो सबसे पहले आपको उस चीज को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट हम लोग हमेशा उस चीज से भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि जैसे क्या फर्क पड़ता है। जैसे आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट से डरता है तो वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नाम सुनते लोग जैसे डर जाते हैं और नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और हम लोग बस इस सब्जेक्ट से भागते गए। जबकि रियलिटी ये है कि हमें इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए और खुद से सवाल पूछने चाहिए, जैसे हमें इस मैथ से डर क्यों लगता है और इस क्वेश्चन का आंसर के ऊपर काम करना चाहिए। आइडिया नंबर 2, चेंज योर एनवायरनमेंट। हम अपने लाइफ में कैसे इंसान बनेंगे, हमारा सोच कैसा होगा, हमारा बिहेवियर्स कैसे होंगे, ये सारा चीजें डिपेंड करते हैं कि हम किस इन्वायरमेंट पे पले बड़े हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म यूपी या बिहार मीन्स इंडिया में हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी। बट अगर जन्म लेने के बाद आपको इंग्लैंड में रख के आ जाए, तो आप और हिंदी नहीं सीखोगे, आप क्या सीखने वाले हो, इंग्लिश। तो ये जो सारा चीजें है ये टोटली डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर आप कुछ ऐसा इन्वायरमेंट पे रहते हो जहाँ पे नो, मुझसे नहीं होगा, मेरा बस का नहीं है, ऐसा चीजें आपको ज्यादा सुनने के लिए मिल रहा है, तो तुरंत उस इन्वायरमेंट से निकल जाओ, क्योंकि ऐसा सोचने वाला पर्सन आपको कभी पॉजिटिव वाइब्स दे ही नहीं सकते। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल में अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जिससे आप नेगेटिविटी स्प्रेड हो, तो उस चीज से दूर ही रहिए। इफ यू कैन नॉट चेंज द इन्वायरमेंट, देन चेंज द इन्वायरमेंट। आइडिया नंबर 3, डू सम टास्क डेली। पता है आपके दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, जब आप खाली बैठे होते हो। तो डेली अपने आप को काम में इतना बिजी रखना है कि दिमाग को नेगेटिव सोचने के लिए मौका ही ना मिले। खुद के पर डे के शेड्यूल के साथ बिजी रखने के लिए आप कुछ बेसिक सा टास्क कर सकते हो। आप योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, दिल खोल के डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, चाहे वो सॉन्ग या डांस कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आप कौन सा इंडियन आइडल या DID में ऑडिशन देने जा रहे हो। आइडिया नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट। इंसान के लाइफ पीरियड का 3 पार्ट होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये बात सच है कि किसी का भी पास्ट अच्छा नहीं होता है। दुनिया भर के प्रॉब्लम्स और गलतियों से पास्ट भरे भरे होते हैं, और फ्यूचर पता नहीं आगे कैसा होगा, ये सोच के भी हम दिन भर टेंशन करते रहते हैं। और इस पास्ट और फ्यूचर को लेके हम प्रेजेंट टाइम पे नेगेटिव सोचते रहते हैं। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं, उस चीज को लेके इतना गलत क्यों सोचना, और जिस चीज को हम रोक सकते हैं, उस चीज को लेकर इतना टेंशन क्यों करना। तो बेहतर यही होगा कि प्रेजेंट टाइम पे हम लोग कुछ पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव एक्शन ले, ताकि कुछ टाइम बाद हमारा फ्यूचर और पास्ट जो अभी के टाइम पे प्रेजेंट है वो फिर से बुरा ना बन जाए। एंड आइडिया नंबर 5 इज गेट स्ट्रॉन्गर डेली। हमें अपना माइंड को डे बाय डे स्ट्रांग बनाना है, ताकि हमारा माइंड में नेगेटिविटी के लिए कोई जगह बचे ही नहीं। और हमें अगर अपना माइंड को स्ट्रांग बनाना है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि लोगों के 2 टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या तो किसी चीज को पॉजिटिव वे से देखता है, या तो फिर किसी चीज को नेगेटिव वे से देखता है। एग्जाम्पल, मान लो कि आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो, मान लो कि आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो, तो आप में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, बट वहीं पे कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियो में क्या क्या गलतियां हुआ इस चीज के बारे में ध्यान देंगे। हाँ, रियलिटी बताना अच्छी बात है, बट गलतियों को देखना एक आदत सा बन जाता है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में ट्रांसफर करना है। तो
खुद के माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें खुद को जल्दी जल्दी जज नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है, हमें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं और हम चाहते हैं कि सारे काम हम लोग जल्दी जल्दी पूरा कर ले, और जब 2-3 बार ट्राई करने के बाद उस चीज से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम लोग नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं, सोचते हैं कि ये काम शायद मेरा नहीं है, शायद इस काम से मैं सक्सेस नहीं बन सकता, शायद ये काम मुझसे नहीं होगा, और हम लोग खुद को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि लाइफ में किसी भी काम से पॉजिटिव रिजल्ट निकलने का 2 ही मंत्र है, कीप ट्राइंग एंड डू नॉट क्विट। सो ये था वो 5 आइडियाज जो आपके नेगेटिव माइंड को पूरे तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग पूरे दिन कंटिन्यूअसली नहीं हंस सकते, जैसे हम लोग पूरे दिन कंटिन्यूअसली नहीं रो सकते, ठीक वैसे ही हम लोग पूरे दिन पॉजिटिव नहीं सोच सकते। आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे, बट हमें उस नेगेटिव माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से अपने नेगेटिव माइंड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, देन इट इज वाओ।